कोरोना महामारी में जहां लोग बिना जान पहचान के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस आपदा में कमाई का अवसर भी ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में पश्चिमी जिला पुलिस ने पश्चिम बिहार के LIC कॉलोनी निवासी लवी नरूला उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया है। COVID-19 के इलाज में प्रयोग की जाने वाली आवश्यक दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लवी नरूला की गुप्त सूचना पंजाबी बाग पुलिस थाने की टीम को मिली थी। इस पर ACP पंजाबी बाग श्री विजय सिंह चंदेल के निरीक्षण तथा SHO पंजाबी बाग श्री नरेंद्र सिंह चाहर के दिशा निर्देश में टीम का गठन किया गया। छापे के दौरान लवी नरूला को उनकी कार के साथ आवश्यक दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम को जांच के दौरान यह पता चला कि वह अपने सहयोगी राहुल से इन दवाओं की खरीद रहा था और महंगे रुपए में इन दवाओं को बेचता था। इन दवाओं में से प्रत्येक में उच्च मांग में है और भारत मार्ट और ऐसे अन्य प्लेटफॉर्मों पर ग्राहकों द्वारा भारी मांग है। पुलिस टीम ने आरोपी के पास से कई दवाइयां बरामद की है। आरोपी के पास से पुलिस को 3,04,500 रुपए भी बरामद हुए हैं। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की DCP उर्विजा कोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाबी बाग थाना पुलिस को आरोपी के बारे में जानकारी मिली कि यह कोरोना महामारी में जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी कर रहा है। पुलिस टीम ने लवी नरूला का पता कर उसे तब दबोच लिया जब वह अपनी कार में बैठा था। कार में बड़ी मात्रा में दवाइयां भी थी। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आरोपी ने ये दवाइयां राहुल नामक शख्स से खरीदी है। उसने बताया कि आजकल इन दवाओं की भारी मांग है, लोग मनमानी कीमत देने को तैयार रहते हैं। अपराधी लवी नरूला पुलिस टीम को बताया कि वह दवा के कारोबार में पहले से ही है। पुलिस टीम द्वारा उसके साथी राहुल को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो फरार है। दिल्ली से संवाददाता अरुण कौशल की रिपोर्ट, RBM न्यूज़ इंडिया।